So today, Psalm 73. Psalm 73 onwards until 83. These psalms are written by Asaph. Asaph was associated with David and playing some instruments and part of David's singing team. So he is sharing some experiences here in this psalm. So first we will read verse 23 to 28. श्याम तो भी मैं निरंतर तेरे संगी था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे, जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। Actually, this psalm started with lot of complaints, but ending with great confidence. Started with lot of problems, ended with praise. So we will first see what kind of man was he. The man who wrote this psalm, what kind of man was he? ये भजन संहिता लिखने वाला किस प्रकार का आदमी था? 13वां कलम में बताया है, Surely I have cleansed my heart in vain and washed my hands in innocence. निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है। सो ही वॉज अ गॉडली मैन, वांटेड टू लिव और लिव्ड ए वेरी गॉडली लाइफ। एक भक्त मनुष्य था, अपना हृदय को शुद्ध रखा, अपना हाथों को शुद्ध रखा। ही वॉज केयरफुल वॉट ही वॉज थिंकिंग इन हिज हार्ट। ही वॉज केयरफुल अबाउट हिज एक्शंस, वॉट ही वॉज डूइंग। सो ही लिव्ड अ वेरी गॉडली लाइफ। देन वॉट वेंट रॉन्ग? Verse 14, For all day long I have been plagued and chastened every morning. Din bhar maar khata aaya hoon, aur prati bhor ko meri taadna hoti aayi hai. We do not know what was the problem. Anyway, he had a बहुत प्रकार का कष्ट और क्लेश, प्रतिदिन हर दिन लंबा समय है। शायद कुछ कठिन बीमारी, सोचेंगे
शायद काले मिट जाएंगे, मिटता नहीं है। दूसरे दिन सुबह वही प्रॉब्लम और पूरा दिन वापस क्लेश में, तकलीफ में ऐसा जीवन बिताया। ट्वेंटी वन में उसका रिएक्शन, दस माय हार्ट वॉज ग्रीव एंड आई वॉज वेक्स्ड इन माय माइंड, मेरा मन तो चिड़चिड़ा हो गया, मेरा अंधकरण चित गया था, बहुत दुखित हो गया, बहुत कड़वा दिल वाला हो गया, lot of bitterness because of continuous suffering। हम समझते हैं एक दो दिन हम बीमार हो गया तो उन समयों में हमारा प्रतिक्रिया क्या होगा, ये लंबा समय का बात है। इसलिए बहुत दुख आया, बहुत कड़वापन भी उसके जीवन में हुआ, ऐसा था। इस आदमी ने तीन अच्छा काम किया ये बीमारी के समय में, लंबा समय में तीन अच्छा बातें किया। 15 से 16 तक हम उसके बारे में पढ़ते हैं। 15 में हम पढ़ते हैं, इफ आई हैड सेड आई विल स्पीक दस, बिहोल्ड आई वुड हैव बीन अनरूट टू द जनरेशन ऑफ योर चिल्ड्रन। यदि मैंने कहा होता कि मैं ऐसा ही कहूंगा तो देख मैं तेरे लड़कों की संतानों के साथ क्रूरता का व्यवहार करता था। ये दूसरों को बताया नहीं, उसके मन में जो हो रहा था, उसका सोच क्या था, उसके बारे में दूसरों को बताया नहीं। देखो as a leader, as a father, we have to be careful what we talk to our children, what we talk to other believers. Otherwise, sometimes it can terribly discourage them. So we have to be careful. So he did not share this to others. Secondly, when I thought, verse 16, when I thought how to understand this, it was too painful for me. He wanted to understand. He tried to understand within his human limitation, why this continuous suffering? So he made an effort to understand that. Third, verse 17, this is very important. Until I went into the sanctuary of God, आखिर मैं ईश्वर के भवन में, ईश्वर के घर में गया, ईश्वर के पास गया, उसके बारे में वो प्रार्थना किया। इसको हम पौलोस के बीमारी के साथ तुलना कर सकते हैं। प्रेरितों दूसरा कुरिन्थी 12वां अध्याय में पौलोस 3 बार प्रार्थना किया, 1 बार प्रार्थना किया कुछ नहीं हुआ, कुछ जवाब भी नहीं मिला, छोड़ा नहीं, दोबारा इसके लिए प्रार्थना किया, उस समय भी कुछ जवाब नहीं मिला। और हम उधर क्या पढ़ते हैं, 3री बार प्रार्थना किया तब प्रभु उसको ऐसा जवाब दिया, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, माई ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू, माई स्ट्रेंथ इज मेड परफेक्ट इन वीकनेस। 3री बार उत्तर मिला है। इसलिए आदमी ये आसाफ
तीन बातें किया है, पहला है दूसरों को उसके अंदर जो चल रहा था उसका सोच क्या था उसके बारे में बताया नहीं था। दूसरा बात, वो खुद समझने के लिए कोशिश किया। तीसरा, आखिरी में प्रभु के पास गया, प्रभु उसको जवाब दिया। इसलिए भजन संहिता 17वां कलम के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्स 17, दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। व्हाट हैपेंड बिफोर ही वेंट टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, what happened after he went to the presence of God, verse 17 onwards. इब्रानियों का पत्री 4:16 में हम पढ़ते हैं, समय पर कृपा पाने के लिए हम अनुग्रह के सिंहासन के पास आए। इसलिए वो उसका जीवन का समस्या के समय में लंबा समय तक प्रभु के पास नहीं गया, और जब प्रभु के पास गया क्या परिणाम निकला, क्या भलाई मिला, उसके बारे में 17 से हम पढ़ते हैं। और हम इस भजन संहिता को 4 भाग में बांट सकते हैं, 2 से 12 तक, How he saw the world without God। तीसरा कलम से वो दुनिया में दुनिया का लोगों के साथ क्या हो रहा है उसको देखा है, seen what is happening with the people in the world। तीसरा कलम में हम ऐसा पढ़ते हैं, I was envious of the boastful when I saw the prosperity of the wicked, they have no pangs, they are strong, verse 5, they are not in trouble as other men, they are not plagued, they are proud, verse 6, they are doing violence, and they have plenty to eat, and they scoff at the God's people, a lot many things. So he looked at the world, look at the people without God. Second part, 13 to 16, he saw his problem without God. Apna jeevan ka samasyaon ko Ishwar ke bina dekha. Isliye usne bola hai, ऐसा शुद्ध हृदय के साथ, शुद्ध हाथों के साथ जीने का क्या मतलब है, उसे क्या फायदा है। तीसरा भाग 17 से 22 तक, ही सो द वर्ल्ड विद गॉड, ईश्वर के साथ दुनिया को देखा है 17 से 22 तक, तब उसको मालूम हो गया ये दुष्ट लोगों का समर्थी ऐश्वर्य कब तक रहने वाला है, वो सब उसको समझ में आया। 23 से जो हमने पहले पढ़ा है, 26 में, he saw his problems with God, उनका जीवन का समस्याओं को ईश्वर के साथ देखा है। एक मिशनरी लंबा समय अफ्रीका में काम किया, आखिरी में बहुत उम्र होने के कारण वापस इंग्लैंड आ रहा था उसका पत्नी के साथ। उसी जगह में इंग्लैंड का राजा अफ्रीका में शिकार करने के लिए जाके वापस आया, वो भी था उस जगह में। दूसरे कुछ लोग अफ्रीका में दूसरा कुछ काम के लिए, कुछ रिसर्च के लिए गया, ऐसा बड़े बड़े लोग भी था। जब
जगह से उतरा राजा को स्वीकार करने के लिए, बहुत बड़ा भीड़ उधर था, दूसरे बड़े बड़े लोगों को स्वीकार करने के लिए भी बहुत लोग थे। मिशनरी उनका पत्नी को देके बोला, देखो ये कितना दुख का बात है, हमें स्वीकार करने के लिए कोई नहीं है। फिर उसका पत्नी बहुत आत्मिक स्त्री थी, इसलिए बोला है, ऐसा बोली, बोला जहां हम पहुंचना है अभी तक हम पहुंचा नहीं है। मतलब जो जगह में हमको पहुंचने का है उधर पहुंचेगा तो उधर हमको स्वीकार करने के लिए बहुत लोग हो। इसलिए दुनिया में शायद दूसरे लोगों के साथ तुलना करें, हमें आदर करने के लिए, हमें स्वीकार करने के लिए शायद ज्यादा लोगों को हम मिल नहीं सकता होगा। कोई बात नहीं, आखिरी में जब हम प्रभु के पास पहुंचेंगे, प्रभु हमारा आदर करने वाला है, हमें स्वीकार करने वाला है, हमारा अनुमोदन करने वाला है, ये हमको समझने का। 23 से हम ऐसा बोल सकते हैं, पीछे हट गया हुआ एक आदमी कैसा वापस आया। हाउ ए बैकस्लिडन बिलीवर रिटर्न। नो बैकस्लाइडिंग, व्हाट इज बैकस्लाइडिंग? पीछे हट जाना। एक व्यक्ति मीटिंग में आना बंद किया, अभी बाइबल पढ़ना भी बंद किया। ऐसा आदमी को देखे हम बोलते हैं वो पीछे हट गए, ही इज बैकस्लाइडर। बट यू नो बैकस्लाइडिंग इज नॉट started when he stopped coming to the meeting, when he stopped reading the Bible, when he stopped praying. पीछे हट जाना, जब प्रार्थना बंद किया, बाइबल पढ़ना बंद किया, मीटिंग में आना बंद किया, उस समय नहीं हुआ, से बहुत पहले शुरू हो गया होगा। ये कैसा होता है जीवन में? डिसटिस्फैक्शन, तृप्ति नहीं है। दूसरों के साथ हम तुलना करके देखते हैं, हम जीवन में तृप्त नहीं है। तृप्ति अलग बात है, तृप्त होना। एक बार अमेरिका में एक एडवर्टाइजमेंट था, anyone who comes and proves he is satisfied, content, he will get $10,000. That was the advertisement. So lot of people went there, they were all standing in the queue, and finally one by one went inside. Say you have to prove you are really satisfied in life. So people started saying, I have my job, I have lot of money in the share market, I have lot of shares, I have a big house, big car, and I have a beautiful wife, some smart children, so I am satisfied. So a lot of people were saying the same thing. To all of them, one question was asked. If you are really satisfied, why did you come for this $10,000? इसलिए दुनिया का लोग कभी तृप्त नहीं होता है, पर विश्वासी लोग तृप्ति है, तृप्ति का जीवन जीने, तृप्त होके जीना। इसलिए ये बैकस्लाइडिंग कैसा शुरू होता है? डिसटिस्फैक्शन, तृप्ति नहीं।
पौलुस बोला है जो अवस्था में मैं हूं उस अवस्था में मैं तृप्त हूं, तृप्त होके जीना। चलिए उधर से इसका शुरुआत है। दूसरा, धीमे से वो मर्मरिंग शुरू करेंगे। इसराइली लोग क्या क्या किया, उन लोग कुटकुटाना शुरू किया और उन लोग ऐसा बोला है ये रोज मन्ना ही मिलता है, इधर दूसरा कुछ नहीं मिलता है। उन लोग ऐसा बोल सकता था, ऐसा एक जंगल में, ऐसा एक जगह में देखो इतना अच्छा खाना हमको रोज मिलता है, ऐसा बोल सकता था। इसके बदले में उन लोग उल्टा बोलना शुरू किया। चलिए मर्मरिंग स्टार्ट्स। उसके बाद कंप्लेनिंग स्टार्ट्स। दे विल ओपनली स्टार्ट सेइंग। उसके बाद बैकस्लाइडिंग होता है। चलिए बैकस्लाइडिंग, दूसरे लोगों के साथ हमारा जीवन को तुलना करके देखें, उनके जीवन में क्या क्या है, हमारे जीवन में क्या क्या नहीं है। हम उधर से ये असंतृप्ति डेवलप करते हैं, उधर से शुरू होता है। चलिए एक विश्वासी जीवन में तृप्त होके जीना है। ये जो आसा जब प्रभु के पास गया, वो क्या क्या सीख लिया हम देखते हैं। कुछ सात बातें, ये जो भाग हमने पढ़ा है 23 से, उधर से उनको समझ में आया। पहला बात, नेवरतलेस, 23, नेवरतलेस आई एम कंटिन्यूअली विथ यू, तो भी मैं निरंतर तेरे संगी था। गॉड्स प्रेजेंस विद हिम इवन इन हिज सिकनेस, इवन व्हेन ही वाज डिबेटिंग इन हिज माइंड, व्हेन ही वाज मेकिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस, गॉड डिड नॉट लीव हिम, गॉड्स प्रेजेंस वाज देयर। ये हमको बहुत प्रोत्साहन देने वाला एक बात है। हम मनुष्य हैं, मानसिक रीति में जितना कमजोरी कामी हमारे जीवन में होते हैं, प्रभु समझते हैं, प्रभु हमें छोड़ के नहीं जाते हैं। प्रभु जब समय आएगा हमको समझाएगा, हमारा समस्या का निवारण भी करेगा। एक बात, हम तकलीफ में हो ना हो, हम ईश्वर के बारे में क्या सोचते हो, अच्छा सोचते हैं नहीं सोचता है, ईश्वर उनका हाजिरी हमारे साथ निरंतर रखता है। गॉड्स प्रेजेंस विद अस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाइबल में बहुत उदाहरण है, एक मैं देना चाहता हूं। एलिया जैसा बहुत प्रभु का बड़ा सेवक दास दुखित हो गया, निराशित हो गया, डर गया, भाग के चला गया और एक छोटा झाड़ के नीचे जाके लेट गया और ईश्वर को बोला अभी मेरे लिए मरना अच्छा है। फिर हम क्या पढ़ते हैं, उधर स्वर्गदूत उसको खाना लेके दिया, उसको प्रोत्साहन दिया और उसको बोला है तुमको आगे बहुत काम करने के लिए बाकी है, ऐसा उनको प्रोत्साहन देता है। इसलिए भाइयों बहनों, इन दिनों में हमें से एक एक का मन में क्या क्या हो रहा है उसको मालूम नहीं है, पर मैं एक बात आपको प्रोत्साहन रूप में बताना चाहता हूं। हम अच्छे सोचते हैं नहीं है,
हम तकलीफ में हैं और नहीं हैं, ईश्वर निरंतर हमारे साथ है। ईश्वर सब देखते हैं, जानते हैं, ये पहला बात है। दूसरा बात, उसने क्या देखा? सेकंड थिंग, यू होल्ड मी बाय माय राइट हैंड। गॉड्स पावर, गॉड्स केयर, इधर मुझको ईश्वर अपना हाथ से पकड़ा है। मैं सोचा मैं अकेला हूं, ईश्वर मुझको पकड़ के रखा है। Deuteronomy 33:27, Deuteronomy 33:27। अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उनका सत्यानाश कर दे। Eternal God is your refuge. Underneath are the everlasting arms. ईश्वर का हाथों हमारे नीचे है, हमें उस हाथों में संभालता है। वो एवरलास्टिंग आम से हमें पकड़ा है, हमेशा रहने वाला हाथ। क्यों ऐसा बोला है? दूसरा कोई भी हाथें हमेशा रहने वाला नहीं है। ईश्वर का हाथ हमेशा रहने वाला हाथ है। मनुष्यों का हाथ शायद आज हमारे मदद के लिए है, कल नहीं होगा शायद। मनुष्य बदलता है, मनुष्य चला जाता है, ईश्वर दोनों नहीं, ईश्वर के साथ नहीं होने वाला है। ईश्वर कभी बदलता भी नहीं है, ईश्वर चले जाएगा भी नहीं है। एवरलास्टिंग आर्म्स, सर्वदा रहने वाला भुज, सदा रहने वाला हाथ एक विश्वासी को पकड़ा है। इसलिए आदमी दूसरा बात जो समझा है, ईश्वर उनके लिए कितना केयर करते हैं। ही अंडरस्टूड द पावर ऑफ गॉड, द केयर ऑफ गॉड। इसलिए हम जीवन में समझने का दूसरा बात है, हमारा परिस्थिति कुछ भी हो, कितना भी कठिन हो, उधर दूसरे लोग हमें मदद करें ना करें, हमारा सहायता के लिए आए ना आए, उधर हमारे लिए प्रभु का हाथ रहेगा, ये हम समझने का है। इसलिए दूसरा बात है। तीसरा बात 24, यू विल गाइड मी विथ योर काउंसल। तुम्हारा सम्मति देता हुआ मेरा अगुवाई करेगा। द काउंसल ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ गॉड, गॉड्स एडवाइसेस। ऐसे समय में परिस्थिति बिगड़ते हैं, ईश्वर हमको उनका वचन के द्वारा हमको हिम्मत देता है। कई साल पहले मेरे जीवन में ऐसा बहुत समस्याएं हुआ, मुझको मालूम नहीं था आगे क्या करना है, इधर रहना है इधर नहीं रहना है, कैसा आगे बढ़ना है, कैसा सेवा करना है, मालूम नहीं था। इसलिए मैं
लास्ट वीक एक आदमी के बारे में बताया, वो तारापुर एटॉमिक एनर्जी में सीनियर साइंटिस्ट, उसके घर में मैं गया उनको ये सब थोड़ा शेयर करने के लिए और उनके साथ प्रार्थना करने के लिए। तो हम उसके ड्राइंग रूम में बैठ के मैं थोड़ा कुछ उनको बताया और उसने बोला चलो हम अंदर जाएंगे, थोड़ा समय हम प्रार्थना करेंगे। उधर उस कमरे के कॉर्नर में हम दोनों घुटना टेका, अदर वो दीवार के एकदम नीचे एक बाइबल का एक कलम दीवार में छुपा के रखा था। वो कलम था जरमाया का पुस्तक 33:3, थोड़ा पढ़ना अच्छा है। Call to me and I will answer you, show you great and mighty things which you do not know. हिंदी में पढ़ सकते हैं? हिंदी में पढ़ू अंकल? हाँ, यरमाया 33:3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। ये कलम मैं जब देख लिया, मुझको ईश्वर से जो जवाब मिलना था मिल गया। कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू एंड शो यू ग्रेट एंड माइटी थिंग्स विच यू डू नॉट नो। तुमको मालूम भी नहीं है ऐसा बड़ा बड़ा बातें मैं तुमको दिखाऊंगा। ये था उस कलम। दूसरा एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, वो रूम का दीवार में उस कोने पर एकदम नीचे छोटा अक्षरों में कुछ कैलेंडर से काट के उधर छिपा के रखा था ये कलम, उधर क्यों रखा है? उधर से एक बात मैं उस दिन सीख लिया, इधर ही ये आदमी अकेला प्रार्थना करता था। दूसरा बात भी मैं देखा है, वो कैलेंडर वो फेंकता नहीं है, जो कैलेंडर हमको मिलता है वो फेंकेगा नहीं है, वो कैलेंडर साल पूरा होने के बाद उसका ये कलम उसमें बड़ा अक्षर में लिखा है वो सब काट के बाथरूम में, टॉयलेट में, बेडरूम में, दरवाजे में और डोर का आगे पीछे खिड़की में बहुत जगह में ये भाई छुपा के रखा है। इधर ये छुपाने का कारण है, ये रोज उधर प्रार्थना के लिए जाते समय में ये कलम पढ़ के प्रार्थना करता था। ये ऐसा एक आदत हमारे जीवन में भी होना अच्छा है। अरे ये उस दिन प्रभु का ये एडवाइस था मेरे लिए, काउंसल था। सो गॉड विल गाइड हिज पीपल बाय हिज वर्ड, बाय हिज काउंसल। ईश्वर को मालूम है हमारे जीवन में हमको इस घटना में क्या चाहिए, इस समय में क्या चाहिए, इस हालत में चाहिए क्या चाहिए। गॉड कैन अंडरस्टैंड, गॉड विल गिव अस और स्पीक टू अस अकॉर्डिंगली। सो दैट इज आवर गॉड। सो ही अंडरस्टूड द वर्ड ऑफ गॉड। सो गॉड्स प्रेजेंस, गॉड्स केयर एंड पावर, thirdly God's counsel or God's word, fourth verse 24, Psalm 73 verse 24 second part,
Afterward, you receive me to glory. और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा. God's hope. इधर हम थोड़े समय के लिए हैं, ठीक है. इधर कई प्रकार का समस्याएं हैं. फिर हमारा समस्याएं एक दिन संपूर्ण रीति में खत्म होने वाला है. धनवान और लासरस का कहानी हम पढ़ते समय में, जब तक धनवान इधर था उसको ज्यादा समस्या नहीं था. उसके बदले में लासरस जब तक इधर था उसका जीवन समस्या से, परेशानियों से भरा हुआ था. कंगाल है, खाना नहीं है, बीमार है, दवा नहीं है, पैसा नहीं है, और बहुत बुरी हालत में था. जो क्षण इधर से चला गया उसका सारा समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया. और धनवान के बारे में सोच लो, उसका समस्या उधर शुरू हो गया. इसलिए भाइयों बहनों, मैं एक बात हमारा आशा के बारे में आपको दोबारा दोहराना चाहता हूं. हम आशा के साथ जीवन बिताने वाले हैं. इस जीवन के बाद क्या है, हम कहां जाने वाला है. इसलिए पौलुस पहला तसलोनी 4:16-13 बोला है, जो लोगों को आशा नहीं है उनके जैसा दुखित नहीं होना. जीवन का समस्या में शायद हमको भी दुख होगा, फिर हम आशा रहित लोगों के जैसा दुखित नहीं होना. हमें आशा है, कुछ भी होने दो, हम इधर परमानेंट नहीं है और हम इधर से जाने वाला है. और जाते समय में हमेशा हमेशा के लिए हम हमारा सारा समस्या से छूट जाने वाले हैं, बच जाने वाला है. ये इसमें से कोई समस्या उधर जाने वाला नहीं है, उधर होने वाला नहीं है. इसलिए गॉड्स होप, दैट्स द फोर्थ थिंग. फिफ्थ थिंग, वर्स 25. Whom have I in heaven but you? There is none upon the earth that I desire beside you. उसका जीवन का longing of this man, God, longing for God. अभी समझ लिया 25वां कलम में वो कहते हैं, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता. ये हमारा एक विश्वास का बात है. हम स्वर्ग में जाके उधर ईश्वर को मिलेंगे जरूर, उसी ईश्वर इस पृथ्वी में भी हमारा सगायदा के लिए है. हम उनके समय साथ समय बिताने के लिए एक इच्छा हमको रखना, ये हमारा काम. देखो ईश्वर हमारे साथ है ये हम जानते हैं, और इस ईश्वर के साथ होना उसके लिए एक इच्छा हमारे अंदर होना है. There should be a longing for God. ईश्वर के लिए एक भूख, ईश्वर के साथ समय बिताने के लिए एक तीव्र इच्छा हमारे अंदर होना है. So longing for God. आगे दो कलम बढ़ेंगे 26 में, उसने कुछ समझ लिया. माई फ्लैश एंड माई हार्ट विल फेल
But God is the strength of my heart and my portion forever. मेरा हृदय और मेरा मन दोनों दो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। ईश्वर हमारा बल है, गॉड इज आवर स्ट्रेंथ। वी कैन नॉट ट्रस्ट दिस बॉडी, इवन वी कैन नॉट ट्रस्ट आवर माइंड, और माइंड में वेवर और बॉडी में कभी कभी हमारा शरीर कमजोर हो जाते हैं, इस पर पूरा भरोसा रख नहीं सकता। हमारे लिए ईश्वर का बल मिलेगा, ईश्वर का स्ट्रेंथ। सो वी हैव टू एक्सपीरियंस गॉड्स स्ट्रेंथ। पौलुस फिलिपियों का पत्री में बोला है, 4 में बोला है, I can do all things through Christ who strengthens me. ईश्वर हमारा बल है, हम उनसे बल पाने का है। और वो देख लिया, शायद शरीर में बहुत क्लेश में था, बीमार था, और ऐसा समय में हमारा शरीर हर समय तंदुरुस्त रहने का कोई गारंटी नहीं है, ये कमजोर हो सकता है। उस समय ईश्वर हमारा बल है। आखिरी बात 28 में लिखा है, बट इट इज गुड फॉर मी टू ड्रॉ नियर टू गॉड। ये मेरे लिए अच्छा है ईश्वर के समीप में रहना, ईश्वर के समीप में रहना मेरे लिए भला है। छोटा छोटा बातें हमें ईश्वर से दूर लेके जा सकता है। इधर इनके जीवन में शायद छोटा बातें नहीं था, बड़ा बड़ा बातें था, ईश्वर से उनको दूर लेके गया। अभी ये सीख लिया, ईश्वर के समीप में रहना मेरे लिए अच्छा है। इसलिए मैं 2 गाना आपको पढ़ के, पूरा नहीं है, थोड़ा पढ़ के सुनाना चाहता हूं, उसके साथ ये संदेश पूरा हो जाएगा। ये गाना हम बार बार गाते हैं, ये सॉन्ग्स ऑफ साइन में 343 है, Nearer my God to thee, nearer to thee, even though it be a cross that raiseth me, still all my song shall be, nearer my God to thee, nearer to thee. उसका तीसरा स्टैंसा ऐसा है, There let my way appear, steps unto heaven, all that thou sendest me, In mercy given, angels to beckon me, nearer my God to thee, nearer to thee. दूसरा एक गाना है 332 में, count your blessings, name them one by one, count your blessings, see what God hath done, count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. The last answer says, so amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged. God is over all. Count your many blessings, angels will attend, help and comfort give you to your journey's end. So the chorus says, count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. So here in this psalm, we see
a discouraged man, finally greatly strengthened, encouraged in the Lord. A man started with a lot of complaints, and a man finally reaches a lot of confidence in God. He started with his problems, but at the end, he praises, full of praises, we can see. So no believer can say, there will not be discouragement, there will not be ups and downs in our Christian life. There will be. Things may go wrong. Things may go contrary to our expectation. As what we are seeing now. We all had some plans. Where are those plans? And for more than 2 months, we are not able to come together and to meet together. And our cases are, compared to many others, it is much more mild. There are father in one place, mother in one place, children in one place, parents another place. And lot of problems people are experiencing. People came to India, they want to go back, they are not able to. People went from one place to another place, they want to go back, but they are not able to go. So problems are there. Lot of problems are there. So compared to others, our problems may be very mild one, but still it can bring lot of discouragement and disappointments. So this is the time we can get a lot of encouragement. This man wants to encourage us. When he started looking at the world without God, it discouraged him. When we looked at his life without God, it discouraged him. He had a lot of questions, a lot of doubts. But when he looked at the world with God, all his doubts and confusion disappeared. When he looked at his life with God, he was completely changed, encouraged, and all his complaints have gone. Instead of complaining, he started praising God. Discouragement, he is greatly encouraged. So God is there to help us. God is with us. God is there as an unchangeable God. Unlike other people, God is able to lead us continuously. He is able to help us in this life. So the meditation of this chapter, this psalm, can bring a lot of encouragement to us. I believe that this morning, as we have gone through this psalm, a man who has been seen here with similar experiences or more worse situation, finally how he found encouragement in the Lord. May it be so with each one of us. May the Lord bless us and encourage us in the days to come to meet any challenge which comes in our life. May the Lord bless these words. Request brother Ashish to lead us in prayer. Ashish Benson. Am I audible? Yes, Ashish, you can be heard. Father God in heaven, Lord, we thank you, Lord, for this day that you gave in our lives, this first day of this week, Lord, to come in thy holy presence, Lord, and to worship thee in truth and in spirit, Lord. Lord, we are not able to meet physically, Lord, but through this means, Lord, we were able to gather together
and praise your holy name, O Lord. Lord, we once again thank you, Lord, from the bottom of our heart for thy great love that you showed upon us through thy Son, the Lord Jesus Christ, who humbled himself to come down to this world, not to be a king, but to be a servant, to be a savior, O Lord. Lord, we thank you, Lord. We see in the Garden of Gethsemane the pain that he is undergoing, the pain unto death, where his sweat drops are becoming like drops of blood, O Lord. Lord, he went under such great agony, O Lord, knowing what he was going to suffer, O Lord, at the hands of his own people, the Roman people, O Lord, and how he was going to be nailed there on the cross, how he was going to be humiliated, O Lord, how he was going to be wrongly accused, O Lord, and how he was going to be nailed on the cross between two robbers, O Lord. O Lord, he died there a cursed death, O Lord. And Lord, yet he remained silent. He did not speak a word back. He was obedient unto the Father, O Lord. He came down to this world to fulfill Father's wish, to save the humankind, and to sacrifice his life as a ransom for many, O Lord. We thank you, Lord, for such great price that you paid for us, O Lord, and you gave us this free gift of salvation, O Lord. Thank you, Lord, that you changed and transformed our lives, O Lord, made us into a new being, O Lord. And Lord, as we were hearing right now, Lord, Lord, many times we murmur, we grumble, we look at the prosperity of the wicked, O Lord, and how they are becoming richer day by day, O Lord. And though they are being so cruel, O Lord, and we see they are in good health, O Lord, and many times we look at them and we think and we worry about ourselves, O Lord. But Lord, we thank you, Lord, that as Asaph, he came back to God, Lord, and how you strengthened him, O Lord. And Lord, he understood in the end, it is good to be, how good it is to be near to the Lord, Lord. Lord, this morning, we thank you for this assurance that you have given to us, Lord. Though things around may fail, O Lord, though we may lose our health, though we may lose our treasures on this earth, O Lord, but we thank you, Lord, that you are our inheritance, Lord. And it is so good to be near to thee, Lord. And Lord, we have tasted thy blessings in the past, Lord. Thy goodness, Lord. The miracles that you've done for us, Lord. How can we forget that, Lord? As the songwriter said, count your blessings. Name them one by one, Lord. Lord, when we start counting, we cannot number them, Lord. They are innumerable, Lord. And we are so grateful to you for the ways in which you have led us hitherto, Lord. And Lord, we submit all our future things also into thy hand. We live in a tough time. We live in an uncertain time. But we thank you, Lord, that your assurance is there, that you are with us till the ends of this earth, Lord. And though things are going in the wrong direction, we have this hope in our life that one day you are going to come back very soon to take us to that eternal abode, to that beautiful shore, Lord, when we are going to gather along with the thousands and millions of people across the ages who have been assembled there, Lord. And we will be in thy holy presence and we will be able to see thee face to face, Lord, and worship thee, Lord. And we look forward to that great day, Lord. Thank you for this wonderful hope that you've given to us. We pray for the people around us who are lost, who are in despair, O Lord, who are in distress and in depression, O Lord. Many people are ending their lives, O Lord. We pray for them, O Lord, that you may open their eyes and hearts, O Lord, and they may be able to know about the true and living Savior, O Lord, and who can give true hope in their life, O Lord. Lord, we pray for such people, O Lord. We pray for our country, India, Lord. It is going through a very tough time economically, socially. And we see the issues of the migrant workers, Lord. We pray for them, Lord. We pray that that you may be their deliverance, Lord. And pray, Lord, that you may deliver them out of all their troubles, Lord. We pray for the leaders of our country. We pray that you may give them good wisdom and knowledge to take the country in the right direction, Lord. Thank you once again for all the brothers and sisters and children who have assembled here through this means, Lord. Submit all our brothers and sisters into thy hand. Let thy hand of protection be upon them, Lord. We pray for those who have to go to work, Lord, where there are cases as well, Lord. We pray for those who are staying in societies where there are COVID cases nearby, Lord. We pray for all of them. You may protect them and keep them safe, Lord. We pray for all our other near and dear ones,
some of them who are suffering from this COVID-19. We pray, Lord, that thy healing hand may touch them and heal them, Lord. We very specially remember that brother Isaac, Lord, who is suffering from that brain tumor, Lord. Pray, Lord, that he may show mercy upon thy servant, Lord, and let thy healing hand touch him and heal him, Lord. We pray for all our evangelists there in Ahmedabad, in Nadiad, in Ahmedabad, and in Dahod. Submit all the evangelists into thy hand, Lord. Especially we remember Daniel Christie, brother, Lord. Commit him especially into thy hand, Lord. We may continue to comfort him and strengthen him, Lord. We pray for all the assemblies there as well, Lord. Submit all believers into thy hand, Lord. Be their provider, Lord. May you be sufficient for them, Lord. Once again, we thank Lord for this beautiful time that we had in thy presence this morning, Lord. Thank you for bringing us thy word to us, Lord. May it encourage us to live better, a victorious Christian life this coming week, Lord. May not the evil one deceive us in any way, O Lord, or tempt us in any way, O Lord. But pray, Lord, that we might be strengthened in thy word, O Lord. And may you lead us, Lord. May you hold our hands and lead us, O Lord. And protect us from all kinds of evil people, O Lord. Protect us from all kinds of wicked and unreasonable people, O Lord. So once again, submit each and every one to thy hand. We ask in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. 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 We can all unmute ourselves. There are two small announcements. Today, we will not be having the Bible study at night as usual because Sundays we don't have. Tomorrow, Brother Daniel Christie will be ministering God's word